हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक नए आईपीओ के बारे में जो कि लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द 7 सितंबर से। हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के बारे में, कितना होगा मुनाफा और दोस्तों क्या हमको इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, किस तरीके का प्राइस बैंड है, आईपीओ साइज, जीएमपी कितना प्रीमियम यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है, कितना मुनाफा होता हुआ दिख सकता है, सारी डिटेल्स के बारे में आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरीके का आईपीओ है, तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिस तरीके की इंफोसिस, टीसीएस इस टाइप की कंपनी, उसी तरीके की ये कंपनी है। नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, जिसका आईपीओ है जो कि 7 सितंबर से खुलता हुआ दिखाई देगा रिटेल इन्वेस्टर और सारे इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं इस पब्लिक इशू के जरिए जो फ्रेश इशू है वो 110 करोड़ रुपये है और साथ ही साथ ऑफर फोर सेल के जरिए लगभग 3,56,63,585 इक्विटी शेयर जो है जुटाने की योजना बनाई जा रही है। तो इस जो ऑफर फॉर सेल होने वाला है इसमें जो मैक्सिमम शेयर है जिसमें से 84,14,223 इक्विटी शेयर जो है वो प्रमोटर मिस्टर अशोक सोता के हैं और साथ ही साथ 2,72,49,362 इक्विटी शेयर जो है वो इन्वेस्टर सीएमडीबी 2 जो कि प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेज जो कि जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है उनके हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो जो इसके प्राइस बैंड रखा गया है वो ऑलमोस्ट 165 to 166 पर शेयर के बीच रखा गया है और ये जो इशू होगा वो 9 सितंबर तक आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। जो कंपनी की योजना है वो यहाँ पे 702 करोड़ रुपए जुटाने की है पब्लिक इशू के थ्रू, जो कि हायर प्राइस बैंड के हिसाब से देखा जा रहा है। बात करें यहाँ पे तो ये इशू जो है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन के लिए खुलेगा 4 सितंबर को। जो आईपीओ की ओपन डेट है वो 7 सितंबर की है, 9 सितंबर को आईपीओ क्लोज होगा, 3 दिन के लिए आईपीओ खुलता हुआ दिखाई देगा। इशू जो है वो बुक बिल्ड इशू आईपीओ आपको होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे लगभग 702 करोड़ रुपए जुटाने की जो योजना है वो कंपनी ने यहाँ पे बनाई है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर भी अगर हम नजर डालने की कोशिश करें तो जो शेयर लॉक चालू आवंटित होते हुए दिखाई देंगे वो होंगे 2 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से। वहीं अगर स्टॉक की प्राइस बैंड की बात करें तो लोअर प्राइस बैंड जो है वो 165 रुपीज का रखा गया और अपर प्राइस बैंड जो है 166 रुपीज का रखा गया है। तो इन दो प्राइस बैंड के बीच आप यहां पे बिड कर सकते हैं। जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो 90 शेयर की, यानी कि आप एक लॉट जो लगाएंगे तो उसमें 90 शेयर्स का आप लॉट यहां पे लगा सकते हैं। और जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई और एनएसई दोनों पर होती हुई दिखाई देगी। आपकी अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके जो एक लॉट साइज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 14,940 रुपए की और आप मैक्सिमम जो लगा सकते हैं रिटेल कोटा पे वो होगा 1,94,220 रुपए का। प्री इशू प्रमोटर होल्डिंग की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 61.77% की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें कि किस किस कोटे में कितना कितना जो है आपका हिस्सेदारी होता हुआ दिखाई देगा, तो QIB कोटा जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं उनके हिस्से में 75% का हिस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 526 करोड़ के शेयर, 3,17,17,000 शेयर जो है वो उनके हिस्से में आते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए वो बिड कर सकते हैं। वहीं HNI इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो 15% हिस्सा जो HNI इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया, 105 करोड़ की वैल्यू उनके लिए लगभग रखी गई है। 63,43,514 शेयर के लिए वो लोग यहाँ पे बोली लगा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसके ऊपर सभी का ध्यान होता है, रिटेल कोटा जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगभग 10% के आसपास का है, यानी कि 42,29,009 शेयरों की आप टोटल बोली लगा सकते हैं। टोटल वैल्यू 70 करोड़, लॉट साइज यहाँ पे लगभग 90 के आसपास का है, यानी कि कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट 46,988 फॉर्म्स जो है उनको अलॉटमेंट पूरी तरीके से मिलेगा अगर एक एक लॉट भी सबको मिलते हैं। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो यहां पे रखी गई है वो बहुत ही कम जगह है और लगभग आपको ये चीज देखने को मिलेगी, तो बहुत ही कम हिस्सा आपको रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से देखने को मिल सकता है। वहीं अब बात करें कुछ टेंटेटिव टाइम टेबल्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो प्राइस बैंड की जो अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दी आज 2 सितंबर के दिन। एंकर सब्सक्रिप्शन जो होता हुआ दिखाई देगा वो 4 सितंबर को होता हुआ दिखाई देगा, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। 7 से 9 सितंबर के लिए आईपीओ खुलता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो अलॉटमेंट का प्रोफाइनलाइजेशन होगा वो होगा लगभग 14 सितंबर 2020 को। अनलॉकिंग जो होगी ASBA के थ्रू, अगर आपको अलॉटमेंट मिलते हैं या फिर आपके जो शेयर के पैसे वो आपके बैंक में वापस आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को
मिलेगी 15 सितंबर को, क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट यानी कि आपके शेयर जो डीमैट में आएंगे वो आएंगे 15 सितंबर के दिन ही, और लिस्टिंग जो होने के चांसेस है 19 और BSE और NSE पे वो होगी लगभग 17 सितंबर 2020 के आसपास। बात करें अगर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो अर्निंग पर शेयर जो लगभग 18-19 में थी कंपनी की, वो थी 1.89 रुपीस, जो कि 18-19 से 19-20 पे बढ़ के होती हुई दिखाई दी 7.04 रुपये के आसपास। क्वार्टर वन ऑफ FY21 की जो है EPS वो आती हुई दिखाई दे 3.73, तो लगातार EPS में जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बुक वैल्यू जो अगर बात करें 30 जून 2020 तक की, तो कंपनी की जो बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 23.70 रुपये के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑन 19-20 की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 27.1 के आसपास है। पीयर कंपेरिजन भी अगर हम करते हुए दिखाई दे कि बाकी बड़ी कंपनियों के मुकाबले, तो TCS का कंसोलिडेटेड PE रेशियो ऑलमोस्ट 26 के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं इन्फोसिस का 24.3 का है। वहीं LTI यानी कि लैंको LNT इन्फोटेक की अगर हम बात करते हैं तो 27.1 के हिसाब से PE देखने मिलता है, और वहीं माइंडट्री का PE भी लगभग 30 के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो PE रेशियो है उसी के आसपास के रेशियो में देखने को आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जिस तरीके के प्राइस बैंड यहां पे कंपनी के द्वारा रखे गए हैं। लेकिन अब बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम ट्रेंड की, तो 1 सितंबर 2020 तक जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा था वो लगभग 110 से 115 रुपए के बीच कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि अगर आप मान के चलते कि अगर आपको एक लॉट का भी अलॉटमेंट देखने को मिलता है, अगर आपको एक लॉट मिलते हैं रिटेल कैटेगरी पे, तो 90 शेयर × 110 का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ऑलमोस्ट 9,900 रुपये पर लॉट का मुनाफा होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो रेटिंग है वो लगभग अच्छी है, सारे लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की राय दी है, माना जा रहा है कि एक अच्छा खासा हिट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी, केमिकल और फार्मा ये तीन सेक्टर जो है वो अच्छे खासे परफॉर्मेंस होते हुए दिख रहे हैं, तो एक अच्छे समय पे कंपनी IPO ला रही है जिसका सीधा सीधा फायदा जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है आपको एक अच्छी खासी प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट देखने को मिल जाए यहाँ पे। और अगर इस महीने कोई उल्टी सीधी खबर नहीं आती, जैसा कि SBI कार्ड के समय देखने को मिली थी, जिस तरीके का क्रैश देखने को मिला था, तो एक अच्छी खासी ओपनिंग के बावजूद भी वहाँ पे जो ओपनिंग थी वो सबड्यूड होती हुई दिखाई दी थी, तो आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस जो है वो लगभग कम नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी उम्मीद है कि मैं तो अपने पैसे यहाँ पे लगाऊंगा, कम से कम एक दो लॉट की कोशिश तो करूंगा कि मुझे अलॉटमेंट मिले। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते। आप लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंफर्म करें कि क्या वहाँ पे ये आपको सलाह देते हैं या नहीं देते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लगाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।